पूरा करो, पूरा करो, रोजगार का वादा पूरा करो, पूरा करो, रोजगार का वादा पूरा करो, पूरा करो, युवाओं को रोजगार दो, रोजगार दो, युवाओं को रोजगार दो। जम्मू कश्मीर इकाई का आज जो हमने प्रदर्शन किया है, सरकार को जम्मू कश्मीर के युवाओं को रोजगार देने के वादे की याद दिलाने के लिए किया है। जल्द से जल्द सरकार अपने रोजगार देने के वादे को पूरा करे। देखिए, लगातार प्रधानमंत्री जी, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल, देश जम्मू कश्मीर के युवाओं को साथ ये वादा करते आए हैं कि यहाँ पर उनके लिए रोजगार की बौछार होगी, मगर युवा इस समय हताशा की स्थिति में है, निराशा के अंदर अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, वह आपराधिक मामलों की तरफ बढ़ रहे हैं, नशाखोरी की तरफ बढ़ रहे हैं। और हाल ही के अंदर गृह मंत्रालय ने भी ऐसे आंकड़े जारी किए हैं कि पिछले 4 सालों से जम्मू कश्मीर के 700 युवाओं ने आतंकवादी संगठनों का दामन थामा है। मैं तो ये कहूंगा कि ये सारे भी रोजगार ना मिलने के कारण निराश युवा होंगे। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर, जिसे देश का ताज कहा जाता था, जिस पर हमें गर्व होता था, आज जम्मू कश्मीर बेरोजगारी के अंदर अव्वल नंबर पर आ रहा है। आज जम्मू कश्मीर कुंवारे युवाओं की आंकड़ों के अंदर नंबर 1 पर आ रहा है, जो युवाओं के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। पिछले 5 सालों से जितनी अधिसूचनाएं जारी की जाती हैं, वह या तो भर्ती अधिसूचनाएं रद्द कर दी जाती हैं, या भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जाती हैं, या उसको ठंडे बस्ते के अंदर डाल दिया जाता है। आज जम्मू कश्मीर के युवा लगातार धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, सड़कों पर उतरने को मजबूर हो रहे हैं, जो किसी भी राज्य के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। इससे हमें बाहर आना होगा। मैं देश के प्रधानमंत्री, क्योंकि अब हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, हम सीधे प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि जम्मू कश्मीर के युवाओं को बचाने के लिए एक ठोस रोजगार के रोड मैप के साथ सामने आए।